किसानों की सरसों की फसल पे तोल में भारी घोटाला कर रहे हैं आढ़ती। सूचना मिलते ही रात के समय जांच के लिए मौके पर पहुंची पुनाना की एसडीएम वैशाली शर्मा। जी हां, किसानों के साथ आढ़ती तुलाई में बड़ा घोटाला कर रहे हैं। एक एक बैग में 2 से 5 किलो अधिक सरसों तोली जा रही है। शक होने पर जब किसानों ने इनका वजन किया तो एक बैग में 2 से 4 किलो तक सरसों अधिक पाई गई। वजन के बाटों में भी काफ़ी गड़बड़ी पाई गई। लोगों ने शनिवार रात के समय पुनाना की एसडीएम वैशाली शर्मा को फ़ोन से शिकायत देकर मौके पर बुलाया। लोगों की शिकायत पर पुनाना की एसडीएम वैशाली शर्मा ने मौके पर पहुंचकर किसानों की शिकायत की जांच की और आरोपी आड़ोतियों और इससे संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का किसानों को आश्वासन दिया। किसानों का आरोप है कि यह आड़ती तुलाई के समय से उनके साथ धोखाधड़ी कर काफ़ी घोटाला कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से मांग की है, जब से सरसों की तुलाई शुरू हुई है तब से लेकर शनिवार तक सभी किसानों को 4 किलो अधिक के हिसाब से पैसे दिए जाएं। सरसों तोड़ने में गड़बड़ी करने वाले आढ़ती अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बताते हैं कि पुनाना के गर्ल्स कॉलेज परिसर में किसानों की सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है, जहां पर किसान काफ़ी समय से आढ़तियों और तोल से संबंधित कर्मचारियों पर उनकी सरसों को कम तोलने व नमी आदि आरोप लगाकर किसानों को काफ़ी परेशान कर मोटा चूना लगाया जा रहा है। बट्टों का काटे पे वो ला के तोला, तो वो कट्टा वो उस पे कम बैठा जी। फिर हमने क्या कि फर्क क्या है, फिर हमने पक के बट तोले जी। पक के बटों में 2 किलो का फर्क है जी, एक 47 किलो बैठे और दूसरा 45 किलो। अब वो 47 किलो से भी तोल रहे हैं सिरसू जी, 47 किलो से तोल भी रहे हैं, फिर वो फालतू भी ले रहे हैं। 5 किलो प्रति कट्टा फालतू तुलिए सिरसू, 45 किलो की भर्ती दे रहे हैं हमारे लिए और 50 किलो सिरसू ले रहे हैं हमसे, ये तोल रहे हैं जी। बैग 45 किलो का है जी, उसमें 50 किलो सिरसू तोल रहे हैं हमारे लिए, हमारी जी, और 10 रुपये नकद भराई के लिए जा रहे हैं और मोक्सर का बहाना लगा रहे हैं। फिर यहाँ काट लगा रहे हैं 2 किलो 1 किलो, और वहाँ से पास नहीं होती तो सिरसों को वापस कर दो किसान की को, लेकिन यहाँ अंदर बुला लेते हैं, फिर उसके बाद उस मोक्सर करके उसमें फिर वो काट लगाते हैं जी, वो काट भी इनकी रहती है, ये करते हैं जी, पूरी गद्दारी। फिर एक कट्टा वो दूसरा तोला वो 50 किलो का बैठा है जी, क्लियर दूसरा बट्टन और बट्टन में। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, मेरा गांव डुडोली है। क्या मामला है? मामला ये है कि हम कल भी सरसों लाए थे जी, और हमने बोला था भी कि इस बोरी में बहुत ज्यादा सरसों जा रही है, उन्होंने कहा कि नहीं ये सही है, सही है, ये बढ़िया तोल रहे। 45 किलो का जो कट्टा है उसमें 50 किलो के लगभग सरसों तोली जा रही है। कितना किलो का बैग है इनके पास? 45 किलो का बैग है। अब हमने वेट किया, बाकायदा वीडियो बनाई है, तो उसमें 49-50 किलो के लगभग एक बैग में सरसों पाई गई है, और एसडीएम साहिबा को भी दिखाया। पर बैग की कितनी चोरी कर रहे हैं? पर बैग में लगभग 5 किलो के लगभग चोरी हो रही है। 10 किलो क्विंटल पे लगभग 9-10 किलो के लगभग प्रति बैग। लाया था तो मैं यहाँ से बेची नहीं और अपने घर चला गया था, फिर एक हमारे चाचा के लड़का ने आज रूम में वो कांटे पे तोल के लाया था, कंप्यूटर कांटे पे, वहाँ से उसकी 5 मिनट फिर सुकम बैठी थी। फिर मैं घर से आया, एक बंदे ने आया ने मेरे लिए फोन किया था, नुक भाई साहब आ जाए ऐसे कांटा चोरी पकड़े नुक। फिर यहाँ मैंने पता कर लूँ कि यहाँ कांटा तो चेक कर लिया या कोई, जब भी कांटा किसी ने चेक नहीं किया। और फिर मैंने आगे नहीं बोरी धरी है तो बोरी बैठी 50 किलो की, जब बोरी पल्लेदार ने उठाई है ना 1.5 किलो फिर से तो हमें जब भी गिर गई नीचे, जब भी 49 किलो 350 ग्राम की बोरी बैठी तो सुबह आज वाले संग हुई है कल वाले फिर 45 किलो की बात हुई है वहाँ पे, और 1 किलो की बोरी वैसे ले रहे हैं, 300 ग्राम बोरी पे ले रहे हैं और 5 किलो वैसे जा रही है बोरी पे। मैंने इनकी चोरी पकड़ी आगे नहीं, फिर मेरे हाथ जोड़ रहे जब कह रहे भाई तेरे हम पूरी कर देंगे जितने भी है, फिर 60 किलो की बोरी 60 किलो की देंगे और यहाँ से भाग गए। फिर मैंने दरखास्त दी, दरखास्त लेकिन एसडीएम मैडम बुलाई है यहाँ पर, मैडम बुला के नहीं, 120 कट्टे तो एक आदमी के हैं जुबैर के और 88 का।